तीन चीज याद रखो, बार बार ये रिपीट क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी को ट्यूबरक्लोसिस अगर हुआ है, टीबी की बीमारी कभी हुई है बचपन में, जवानी में, कभी भी, तो वैसे लोगों को बार बार गम का मेडिकल रिजेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट, किसी को हेपेटाइटिस बी सी किसी भी तरह का कोई भी ब्लड इंफेक्शन, कोई हेपेटाइटिस हुआ है, खास करके हेपेटाइटिस वालों के लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ, कि वैसे लोगों को बार बार गम का मेडिकल अनफिट होता है कुछ दिनों तक। मतलब जो उनका उनका हेपेटाइटिस बी का हुआ था, कभी इलाज कराए, ट्रीटमेंट कराए, ठीक हो गए, लेकिन अभी वो बिल्कुल फिट है, बाहर की जो डॉक्टर है वो ठीक बता रहा है, लेकिन दम का मेडिकल अनफिट करेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट, इसका कोई ना कोई एलिमेंट ब्लड में रहता है, इस चीज को ध्यान रखो, कुछ दिन तक रहता है, एक साल दो साल के अंदर में आपको क्लियर जल्दी, बहुत लोगों को ऐसा रेयर होता है कि एक दो साल के अंदर क्लियर हो जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट दो साल तीन साल तक भी रहता है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं, आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, गम का मेडिकल खाली अनफिट होगा, दवा की जरूरत नहीं, ये अपने आप बॉडी उसको क्लियर कर लेगा, बॉडी उसको फिल्टर कर लेगा। सेकेंड थिंग्स जो कोई मैंने बताया आपको, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी बचपन में कभी हुई है, स्पॉट बन जाएगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर जाना है तो आप जीसीसी छोड़ करके, जो सऊदी, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरैन, कतर, ऐसे कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में, यूरोप कंट्री में आप जा सकते हैं, यूरोप में भी मेडिकल होता है जाने के लिए, लेकिन वो गम का मेडिकल नहीं होता है, उसमें डिफरेंट टाइप का मेडिकल है, गम का नहीं है। गम का वाले ने बहुत ज्यादा सबकी बर्बाद करके रखे हुए हैं, सबको बजा के रखे हुए, इन द सेंस कि अगर आपको चेस्ट में प्रॉब्लम है तो गम का मेडिकल से बचना है, आपकी मर्जी, लेकिन कोई एजेंट, कोई ब्रोकर, कोई सेटिंग करने वाला, कोई भी पर्सन बोलता है कि मैं सेटिंग करके देता हूँ गम का मेडिकल, किसी भी तरह का कोई मेडिकल, तो नहीं ट्रस्ट करना है, वो पैसा ले लेगा और आपकी छुट्टी कर देगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या करूं। मैं जेन्युइन बात बताता हूं, सही चीज बताता हूं, उसको फॉलो करो, कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो आपकी मर्जी है। छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी क्लिप थी, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, बहुत सारी आज के बाद वीडियो इंस्टाग्राम पे मिलेगी आपको देखने के लिए, और इंस्टाग्राम पे वीडियो शॉर्ट में नॉलेज में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन प्लीज यार सब लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है सबको रिप्लाई करना, कमेंट कीजिए, कमेंट पढ़ूंगा, उस पर एक छोटा सा शॉर्ट रील्स बना के मैं इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट कर दूंगा। मिलते हैं, जय हिंद।